दोस्तों आज हम स्वॉलोड स्टार की न्यू एपिसोड 83 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता ही हम सबसे पहले देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर फाइट करने के लिए आया होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं होंग और लेशन को, जो दोनों ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने ही मौजूद होते हैं, और इन तीनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, और यह वही फाइट होती है जिसके ऊपर पूरे धरती का भविष्य डिपेंड करता है। क्योंकि अगर तो इस फाइट में होंग और लेशन जीत लेते हैं, तभी धरती पर रहे इंसानों को जीने के लिए उम्मीद मौजूद होगी। मगर अगर ये दोनों इस फाइट में हार जाते हैं, तो फिर धरती को कोई भी नहीं बचा पाएगा, ऐसा ही सब लोग सोच रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें लेशन की आवाज आती है, जो कि कहता है, हालांकि हम लोग सिर्फ बची कुछ चीजों को ही यूज कर रहे हैं, हालांकि हम लोग सिर्फ इंसान हैं, हम लोग तुम्हारी जितनी अलाइट ब्लडलाइन में से नहीं है, मगर फिर भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग अपने पावर का यूज करते हुए तुम्हें मारने वाले हैं। जिसके साथ ही लेशन काफी ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जिसके साथ ही बबाटा लुआ फैंग से कहती है, होंग और लेशन दोनों ही इस फाइट में अपनी सोल को डैमेज करते जा रहे हैं, और इसी के साथ ही हम आते हैं लेशन के व्यू पर, जो कि अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, जो कि इसके सारे अटैक सबसे ज्यादा टॉप पर आती है। और इसी के साथ ही लेशन कहता है, मेरी 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड के टॉप लेयर मेरे डोमेन के सपोर्ट के साथ पहले से भी ज्यादा अमेजिंग पावर को प्रोवाइड कर सकती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि होंग और लेशन दोनों पर ही अटैक करने के लिए उनके सामने आ जाता है। और यहाँ पर तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि इन दोनों के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ट्रैक करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एक और एबिलिटी को, इसका यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट होंग और लेशन के ऊपर एक पावरफुल अटैक को लॉन्च करने वाला है। और इसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन बम आ जाते हैं, जिसके साथ ही लेशन उसे कहता है, अगर तो तुम यहाँ पर मौजूद सब चीजों को बर्बाद ही करने वाले हो, तो फिर तुम इस बम को रोक सकते हो। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं लुआ फैंग को, जो कि काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। लुआ फैंग के साथ साथ यहाँ पर बबाटा भी काफी ज्यादा शौक होती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं सैटेलाइट की व्यू को, जहाँ पर हमें अर्थ के डायमीटर में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं होंग के एक स्माइलिंग सीन को, जो कि शायद से लेशन के तरफ देख रहा होता है। इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड जाता है। मैं इसकी नोवेल को भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।